मर जाए फिर यही आगे ये हुकूमत जहर दे दे सबको, इनको मौत है सजा मिलनी चाहिए। इमरान बेस्ट था, महंगाई इतनी है कि बंदा बर्दाश्त नहीं करता फिर। महंगाई आवाम जो पिस रही है, आवाम के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ये यादियाँ कर रहे हैं आवाम के ऊपर कर्जा चढ़ा के ये बाहर तोड़ जाते हैं। दिहाड़ी वो आटा ले आएगा, घ्यो ले आएगा कि मकान का किराया देगा, बच्चे पालेगा, दिहाड़ियाँ बधाते रहे, पेट्रोल महंगा करी जाते, खाने पीने छावा महंगे करी जाते हैं, कारोबार है कोई नहीं, सारे गलत ने, कोई सही नहीं गा, छोटे तो लैके वे तो सारे चोर ने। घबराना नहीं है, तब्दीली लेके आएंगे, यह पाकिस्तानी तब्दीली लैके आई, बच्चे भुखे मरन दे, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग इन्होंने खत्म करती। लायका घर है मेरा 65,000 रुपया बिल आ गया, घर की चीज़ें बेच के मैंने बिल उतारा, अभी तक घर को खाना है, मेरे घर वाले बच्चे भुखे बैठे हैं, क्या कर सकते हैं हम तो बेबस हैं, माड़े बंदे हैं, अभी की कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, यही है पर सबर करके बैठ जाते हैं हम। बिजली का 10,300 रुपया बिल आया साढ़ा, तो वो पहले आता है थोड़ा ही 500, 300, 3,000, 3,500 ना, साढ़े को फ्रिज और ना गलन एसी उसी को ही लाया। इमरान खान को घट आता ही 1,200, 1,500 बस। सर ये महंगाई बहुत आ गई, कारोबार नहीं है, 15,000 बिल आया है, सादे बल्ब लगे हैं, 2 पखे लगे हैं, सादा टीवी है 14 इंच का और 15,000 बिल आया तार है, क्या करें हम तो परेशान है ये हुकूमत से। मैं कहता हूँ इनको बहन चौदों को मौत है सजा मिलनी चाहिए। इमरान बेस्ट था यार, पहले आता था हमें 2,000, 3,000, ठीक है, इस मरतबा सिर्फ 10 यूनिट ऊपर है तो समथिंग 9,000 कुछ रुपये है, ठीक है, तो कोई फायदा तो नहीं इन्हों का हैगा सानू, घूमत ही घूमन ना लो तो बंदा फौज आई वो सानू मंजूर है कि यानी कि हर चीज़ करेगी, जोड़ा आ रहा है अपना ही मुफाद सोचन दे, साढ़ा तो कोई नहीं हुकूमत सोचन दे मुल्क का। बिजली आ जाते रही लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आया, मुझे नहीं लगता कि बेहतरी आए, हालात तो मुल्क के बड़े ख़राब हुए हैं, आपको हमारे दिल का क्या पता कि अंदर से हम रो रहे हैं, कारोबार है नहीं, ये परेशान खड़े हुए यहाँ, सारा बेईमानी का है खिलाफ साढ़े, तो असं समझा किसी ने नहीं वोट नहीं देना है, किसी को वोट नहीं देना है, ये खाना खराब कर रहे हैं मुल्क का, जो भी कर रहा है ग्रांड हुकूमत आई है वो भी ऐसा ही कर रही है, खाना खराब कर रही है, ये मासूम बच्चे खाने को भी तरस रहे हैं, बहुत ज्यादा चोर इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सारे चोर ही हैं, नहीं इमरान खान आएगा तो फिर अच्छा होगा। रीडिंग का अपना जो काम है बिल ज्यादा है, अब उधर दफ्तर जाते वो कह रहे जी रीडिंग आपकी ठीक है, दूसरों से पैसे लेके खा लेते हैं तो जो गरीब बंदा है उसके ऊपर वो बोझ डाल देते। 32,508 रुपये एक पखा एक फ्रिज, बस इतना सलूक तो आग नहीं गा मुसलमान जो भैन भरावान का, कोई बाहर आवे तो अभी बाहर आई कयामत तक रेंज ही रहना, सानू मारन सोच रखे उन्होंने, ना आटे का पता, ना उन्होंने घ्यो का पता, ना उन्होंने पेट्रोल का पता, 21,000 रुपया राती परसों बिल तारिया मैं, ओनी साड़ी दिहाड़ी नहीं गई, सुबह जाए शाम कोई रात 2,000 वह भी नहीं लभदा, सारे चोर बैठे आ जिन्हें भी करनी अपनी हक लाल दी करनी है, 21,000 रुपया बिल लाया तो भैन सानू पता जल्द किस तरह बिल तारिया, तो हूँ असं दूसरा मीटर लवा रहे मीटर नहीं लगते पे, कहते 25,000 रुपया दवो, 30,000 रुपया दो, कितों पैसे लियाइए, 26,000 रुपया कमाना उन्हें बेली देना तो उन्हें खाना पीना की है, की खाना है, रोटी साड़ी पूरी नहीं होती, कोई बंदा आ ही जाता कोई चाली जाए, कोई बंदा भैन भरा उन्होंने की दईए अभी, जे आप नहीं खानी तो उन्होंने की देवे, फिर इन्ने का हालात खराब करते, ये समझो सारे चोर है ते हैं, ये 3,000 आप ले लो, ना मलक भेजता है ना इतजाज हसन कोई भी नहीं आया, नूली का कोई बंदे ने आके नहीं बोला कि यार ये बिल आया हम आपके लिए करते हैं हेल्प, बोल लेने के लिए सारे आ जाएंगे हम आपके साथ हैं, तब तो सारे आएंगे, आ ही रहे ना, तो सिवरेज का पानी देखना खड़ा हुआ है, जहाँ पे नमाजियों ने नमाज पढ़नी वो भी नमाज पढ़ने से जा रहे हैं, औरतों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब इनको वोट की जरूरत है तब ये आ जाते हैं, आना तो अब बनता था लोगों के घरों में, खाने के लिए कुछ नहीं, वो बिल कैसे देंगे, आके पूछते यार हम आपके MP हैं, मैं हम आपके MP हैं, हम आपको देंगे, हम आपका रिलीफ कराते हैं, खा रहे हैं बिल जमा करा एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, वो भी तंदूर दी आटा नहीं लग रहा, गैस नहीं आ रही, गर्मियों में गैस जम गई है, सर्दियों में तो चलो जम जाती है, गर्मियों भी जम गई है, गैस गर्मियों में भी नहीं, यहाँ पे एक मिनट में के लिए गैस नहीं आती, पाइप डले में गैस की आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं गैस, बिल्कुल नहीं आती, जिनको देखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको देखना चाहिए, MPA को देखना चाहिए, वो आगे देखता नहीं, वो आगे पूछता नहीं है, सुकून दे ना, सुकून देता तो और सुकून देता, अगर गरीब मर जाए असल च सुकून कबर से जाके पै जाए, असल सुकून तो इतने होना ना, कोई हालात नहीं ठीक है, ये आगे आगे बढ़ेगा घटेगा नहीं, पेट्रोल कहाँ चला गया, ये सब बस कर रहे हैं, मेरे मुंह से गाल निकलेगी, फायदा कुछ नहीं है, ये बहुत जलील कर रहे हैं आवाम को, आवाम कहाँ जाए, आप बताएं किराए पर मकान है 9,000 रुपया, आपका किराए का मकान है, किराए पर मकान है, कहाँ जाए, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये बच्चों के लिए 50 रुपये का दही पर ले ले कर आया हूँ, रोटी खाने लगा हूँ, बिल तारे बच्चों का पेट भरें, कहाँ जाए,
किसको कहीं जा गए, ये चोर लुटेरे सब उधर ही बैठ कर लगे हुए हैं, बच्चों को फलानी जगह भेज दिया फलानों को, पर हमारे साथ आकर खड़े तो देखे थे सही क्या बीत रही है हम पर। कोई कंप्रोमाइज तो है नहीं, वो तो भरना ही पड़ता है, रेट क्या करेंगे, ये तो आज की नई बात तो नहीं है ना, ये आज का इशू तो नहीं है, ये तो 50 साल पहले का इशू है। जब इस मुल्क में 50 साल पहले लूटोगे तो ये तो होगा, ये आप 70 साल पहले देखें ना क्या हुआ है। 2008 में IMF जीरो था, तो इन 10 सालों में क्या हुआ है। जब आप लोग ऐसे लोगों को मुंतखब करेंगे तो बिल भी आएंगे, महंगाई भी होगी, क्या होगा इसका। दुआ करें अल्लाह बेहतर करे, बस और क्या होगा, क्या करेगा। देखिए बात ये ना, हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं, हम लोग नारे लगाते, जब तक नारे लगेंगे तो यही होगा। आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क में 70 साल में, 35 ईयर्स फौज ने हुकूमत की, 35 ईयर सिविल ने की, आवाम कहाँ पे है। अगर इस वक्त एक बंदा जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो वो भी रो रहा, जिसके 4 बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता, या कम आती है तो बंदा सोचता कि बिल कितना आएगा। बिजली का बिल सा जी साडा आया है तकरीबन 10,000 रुपया, 12,000 रुपये घर का। मैंने तो रिलीफ दिता, वो कहते असी सुकून ही बड़ा दिता लोगों ने। नहीं साह जी कोई सुकून नहीं, जरा आंदा पे लुटता पे है, असा मारे बंदे हैं, मारा बंदा होर मारा जाना, अमीर अमीर हो जाता है। थोड़ा उच्ची बोलो। मैं कहा असी मारे बंदे हैं, मारे हो जाना, जरा उच्चा उच्ची हो जाता है। स्टॉक जो शाह कीतियां अमीर हो जाना, जरा गरीब होर गरीब हो जाता है। ये दिहाड़ी तेरी दिहाड़ी कि नहीं। दिहाड़ी कोई नहीं साह जी, कमीशन का काम करने हैं, कोई 400-500 रोटी बन जाती है, किराया क्वार्टर का खुद का खर्चा, घर पैसे भेजने, घर तक सूरत हाल कोई नहीं लगती। साह जी परदेसी बंदे ना कारोबार है ना कोई हालात है पैना, सुबह निकले हैं और सामने रेडी खलोती हुई है मेरी, सुबह निकले हैं कोई काम शाम का हालात नहीं लगते। ये जी 51,000 मेरा बिल आया, ठीक है, ये इतनी महंगाई है, इन्होंने मार दिया हमें, इस हुकूमत ने हमें किसी जोगा नहीं छोड़ा, और ये जो है अब ये मैं कहाँ से पे करूँ, ये मुझे बताएं ये मैं कहाँ से पे करूँ। ये वो कहते हैं हमने बेंजीन इनकम सपोर्ट पे 10,000 रुपये हर बंदे को देना शुरू किया, ये कोई सपोर्ट नहीं हो रही, गरीब बंदा मर रहा है, सिर्फ मर रहा है, गरीब बंदे के पास कोई हिसाब नहीं है, कोई उसको जीने का हक नहीं है। झूठ बोलती गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट झूठी है बिल्कुल, हमें मार दिया ये बिलों ने हमें मार दिया बिल्कुल, कहाँ से हम पे करें। नहीं तो भैया आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी। कुछ नहीं कह सकते जी, ये इनका मिली जुली है, ये इसी तरह करते हैं सारे, जो आता लूट के चले जाता है, जो आता लूट के चले जाता है, हमें फुद्दू बनाया हुआ है सिर्फ इन्होंने, और कुछ नहीं है। काकड़ साहब ने कहा मैंने तो नोटिस लिया, वजीर आजम कमेटी भी बनाने लगे हैं, क्या कहते हैं। कोई नोटिस नहीं है, हमें तो रिलीफ चाहिए ना, हमें इन नोटिसों से क्या रखा हुआ है, हमें तो रिलीफ चाहिए ना, हमें खाने को रोटी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, चीनी देखें तो 170 रुपये किलो हो गई है, और घी देखें कहाँ पर चले गया है, और ये सारी मुश्किलें गरीबों के लिए ही है ना, सारे परेशानी हैं भाई जान, मर जाएं फिर, यही है कि ये हुकूमत जहर दे दे सबको और गरीब बंदे मर जाएं, बस और कुछ नहीं मैं कह सकता। लोगों के हालात देख के लगता है कि लोगों की परेशानी का जो एक लेवल है ना, वो अपना जैसा कहते हैं ना उनके सब्र का पैमाना, वो लबरेज हो गया। आप लोगों की अक्सर देखे, अक्सर लोगों की आंखों में आपको चमक, ये कोई उम्मीद की चमक नहीं है, ये नमी है, ये बिल्कुल जैसा कहते हैं ना उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल हुकूमत के पैरों के नीचे रोन दिया। और दूसरी बात मैं अख्तिताम में ये कहता चलूँगा कि अक्वामे आलम के अंदर अगर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर दिन ब दिन उस लेवल पे महंगाई चलेगी जो अर्जेंटीना के लेवल से भी आगे चली गई, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान भी मुझे लगता है चांद पे ही है। ये यहाँ पे ही रह जाना चाहिए इन्होंने, ये जो हालात है ना इन्होंने यहाँ पे ही रह जाना है।